हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर एक व्यूअर हैं जिनको दिक्कत आ रही है, बेहद अपग्रेडेड वर्जन है और उसमें जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक कंपनी बनाएंगे ही, नई कंपनी बना करके उसी में समझेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कंपनी नाम का ऑप्शन है, आप यहाँ पर सीधा क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके और कंपनी बना सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट की लिखी हुई है F3 भी प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन बटन, और F3 प्रेस करके कंपनी क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन आएगा, इस पे जाकर के कंपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर के हम कंपनी ही बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी पे गए और अब हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट के ही नाम से कंपनी बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमने दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे गुड्स की, किसकी बात करेंगे, गुड्स की बात करेंगे, भले ही कंपनी माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, हम गुड्स की ही बात करेंगे। और यहाँ पे जो लोकल हमारा स्टेट है, जो हमारा स्टेट है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लोकल एरिया का पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पर आप फोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका होता हो, ठीक है। एंटर करेंगे और ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की डेट और फिर काम शुरू होने की डेट दोनों यहाँ पे आई हुई है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो एक नई विंडो आएगी। अब इस नई विंडो में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस रखिएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश रख लीजिएगा, यहाँ पे रेगुलर रखिएगा और यहाँ पर इसको नहीं आपको कुछ भी करना है, नीचे आइएगा, यहाँ पर अपना GST IN डाल दीजिएगा, जो भी आपका GST IN हो वो GST IN डालते हुए आगे बढ़िएगा। और हम मंथली GST फाइल करेंगे, क्वार्टरली नहीं फाइल करेंगे, मंथली ही फाइल करेंगे। और यहाँ पे प्लेस जो है इनवाइसिंग का देवरिया रख देते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी GST डिटेल्स ये आया हुआ है, तो इसको भी आपको यस करना है और हम इस डिटेल को यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका HSN कोड आएगा 8 अंकों का, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर स्पेसिफाई ही करना है हमें, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और 12% का GST हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रास्टेट दोनों ही 50,000 की थ्रेशहोल्ड है अगर आप इनवाइसिंग करते हैं तो, और यहाँ पर वैल्यू के आधार पर हम इनवाइसिंग करेंगे, बाकी एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट आपको करा लेना है। लास्ट तक आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, आप वी बटन प्रेस करके सीधा आ जाते हैं परचेज में, हम रिसिप्ट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज का मेन मुद्दा जो है यही है कि GST नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर भरेंगे, यहाँ पर जैसे आते हैं अल्ट सी करते हैं तो यहाँ एक लेजर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लेजर बना रहे हैं गौरव के नाम से, और गौरव सी कर देते हैं, सी से पता चलेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है यानी होलसेलर पार्टी है, और इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एस प्रेस करना है और एस प्रेस करते ही सन्ड्री एस वाले ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, सन्डी क्रेडिटर चूज कर लीजिएगा, एंटर करते हुए आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश यहाँ रखेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एक्सेप्ट हो जाने के बाद इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे एंटर करके, और यहाँ पर चाहे तो GST IN डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पर डाल दीजिए परचेज अकाउंट इस तरीके से, और परचेज अकाउंट करके एंटर करिए, यहाँ पी प्रेस कीजिएगा तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा, और परचेज अकाउंट करके यहाँ पर जो है टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रखिएगा, और इंक्लूड इन एसिएबल वैल्यू कैलकुलेशन इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखना है, GST तो एप्लीकेबल ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से रखनी है और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो ये लैपटॉप हमने लिखा और लैपटॉप नाम का स्टॉक आइटम बनाया हमने, और ऑल्ट सी करके यहाँ यूनिट बना लेते हैं, तो यहाँ NOS रखेंगे सिंबल और यहाँ ले लेंगे नंबर्स, क्या लेंगे नंबर्स, जैसा कि मैंने लिया हुआ है, और आपको यहाँ पर UQC कोड यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड भी मिल जाता है, और यहाँ पे एन प्रेस कीजिएगा तो देखिए नंबर्स हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, बस यही रख के और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, एंटर करिएगा और बाकी सारी चीजें ऐसे ही रख देनी है आपको, इसमें कोई भी आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लेना है। अब मान लीजिए 5 आइटम है लैपटॉप का और एक लैपटॉप जो है परचेजिंग जो है 30,000 पड़ रही है, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आ गए। अब यहाँ पे GST, तो GST का लेजर तो है नहीं, तो अल्ट सी करके बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे CGST, एंटर करेंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, यहाँ पर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ GST रहेगा और यहाँ पर IGST बिल्कुल नहीं रहेगा, CGST रहेगा, ठीक है, और नॉर्मल राउंडिंग एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए GST आपका कैलकुलेट हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन जो आपके साथ दिक्कत आ रही है उसके भी बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एसजीएसटी रहेगा, एंटर करेंगे, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, और यहाँ पर आकर के एसजीएसटी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो ये नॉर्मल राउंडिंग, और फिर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है आपको। तो देखिए दोनों जीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब आप चाहे तो अपना इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं एंटर एंटर करके, तो ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी कि जब आपका जो क्रेडिटर पार्टी है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अल्ट सी करके बनाते हैं तो यहाँ पर एक और बना लेते हैं के नाम से, और के जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है, और यहाँ पे संडी क्रेडिटर का ग्रुप रहेगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करके यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया, फिर एंटर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराएंगे, और ये तो स्टेट हो गया राजस्थान। तो अभी तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लैपटॉप ये लेते हैं हम, और यहाँ पे चार लैपटॉप की बात करते हैं, तो यहाँ 1,20,000 का लैपटॉप हो गया, और सीजीएसटी जैसे ही लगाएंगे तो आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में आपको आईजीएसटी लगाना है। क्या लगाना है? आईजीएसटी। तो जब भी आप डिफरेंट स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा दीजिए आईजीएसटी, तो अल्ट सी करके, और यहाँ पे बनाइए आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आ जाएगा क्या? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये आ गया। फिर यहाँ जीएसटी रहेगा, और यहाँ पे आईजीएसटी ही रहेगा। एंटर करिएगा, नॉर्मल राउंडिंग एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। देखिए 14,400 रुपए यहाँ पे जीएसटी कट गया। और यहाँ पे ई वे बिल डिस्पैच कहाँ से हो रहा है? ये तो देवरिया उत्तर प्रदेश से हो रहा है, ये डिटेल हमने भर दिया। सिर्फ तो कहाँ तक जाएगा? तो राजस्थान जाएगा, राजस्थान, ठीक है। ये हमने दे दिया। ट्रांसपोर्टर नेम अगर चाहे तो डाल सकते हैं आप, एंटर करेंगे, ट्रांसपोर्टर की आईडी जो भी हो वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पर बाय रोड जाएगा ये, तो बाय रोड हमने दे दिया। व्हीकल का नंबर जो भी होता हो, UP 5552 जो भी होता हो, वो आप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे करके और आगे बढ़िएगा, और यहाँ पर ये रेगुलर कर देते हैं और एंटर करके, और यहाँ पे चाहे तो आप जो है नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप किया है और एंटर कर दिया। अब इसका प्रिंटआउट आप जब देखेंगे तो ये इस तरीके से प्रिंटआउट नजर आएगा। ये के वाला था, ये अल्ट पी करके एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से इनवॉइस जनरेट होता हुआ हमारा नजर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। एक चीज और इसमें आप कर सकते हैं, जब आप यहां पर आते हैं, ये देखिए यहां पर आए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे F11 किया हमने और एंटर किया, तो यहां पर आपको मिलता है ना एक ऑप्शन, देखिए अदर में जाके एक ऑप्शन मिलता है, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक ऑब्लिक QR, तो यहाँ पे इसको यस कर देंगे तो एक QR कोड भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मर्चेंट का नेम, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर UPI, और बाकी यहाँ पे UPI ID जो भी होती हो यहाँ पे वो आप डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने डमी UPI ID डाल दिया है, और यहाँ पर एंटर कर दिया, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, और एक्सेप्ट कराने के बाद जो है यहाँ पर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जबकि हम जाएंगे एंट्री के लिए, अब देखिए इसमें फिर एंट्री कर रहा हूँ वही एंट्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो है सेम स्टेट का मामला है, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट का मामला नहीं है। ये जो क्रेडिटर पार्टी हमने ली है गौरव सी, ये सेम स्टेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आ गया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लैपटॉप की ही बात करेंगे, तो ये लैपटॉप लिया तो यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 परचेस करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये CGST आएगा और फिर SGST भी आएगा। जब CGST आएगा तो SGST भी आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। डिस्पैच फ्रॉम देवरिया DEORIA, और ये जाएगा कहाँ तक? तो लखनऊ तक जाएगा, ये लखनऊ तक जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम चाहे तो दे सकते हैं, और ट्रांसपोर्टर ID भर दीजिएगा, और ये बाई रोड ही जाएगा, ठीक है। व्हीकल नंबर डाल दीजिएगा, बाकी सारी डिटेल्स तो यहाँ रहेंगी, और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पेड वर्जन है तो यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि किस प्रकार से जो है इसमें बिल जनरेट हो रहा है, ये भी आपको दिखेगा। यहाँ पर अल्ट की करिएगा, एंटर करेगा तो यहाँ पे QR कोड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, इस वजह से ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आई बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको QR कोड नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर पेड वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ QR कोड भी आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। मैं एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।